और टिप नंबर टू ये है, आप चाहते हैं कि आपकी बहुत अच्छी कुरकुरी सी भिंडी बने, और इसका ऑयल एब्जॉर्ब होने के लिए रख दिया है। बहुत ज़्यादा इसे भूनना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसने ऑयल अपना अच्छे से छोड़ दिया है। कि सम टाइम कुछ ऐसे भी वाकया सुनने में आते हैं कि जी व्यूअर्स, तो ये हमारी कुरकुरी भिंडी हो गई है तैयार अपनी वीडियो में। एंड ऑफ द डे आपको कोई अच्छा सा मैसेज दें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माई चैनल ट्रैवल एंड फूड स्कैनर। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माई चैनल ट्रैवल एंड फूड स्कैनर। तो जी दोस्तों, आज हम आपके लिए जो रेसिपी लाए हैं वो है कुरकुरी भिंडी। और आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी भिंडी को कुरकुरी किस तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो मैं आपको बता दूं। तकरीबन 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून और लेमन 1/2। इसके अलावा नमक हसबे ज़ायका है आप, मेरे पास क्योंकि पिंक सॉल्ट है ऑर्गेनिक, तो ये थोड़ा सा फीका होता है, तो ये मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच लिया है। लेकिन अगर आप दूसरा नमक यूज़ करते हैं जो नॉर्मल होता है तो वो आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं। इसके अलावा लेमन, और इसके अलावा इसके अंदर डलेगा 1 टोमेटो। मैंने जो टोमेटो लिया है वो तकरीबन बिग साइज़ का है, अगर आपके पास नॉर्मल साइज़ का टोमेटो है तो आप उसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपनी भिंडी कुरकुरी कैसे रख सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ऑयल, और ऑयल हम लेंगे ज़्यादा क्योंकि हमें इसे भिंडी को फ्राई करना है इसके अंदर और उसके बाद निकाल लेना है। तो ऑयल हमें चाहिए थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि अगर आप भिंडी को फ्राई करके और निकाल लेंगे और थोड़ी देर बाद से फिर उसके बाद बनाएंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद, तो आपकी भिंडी कुरकुरी बनेगी। टिप नंबर 1। और टिप नंबर 2 ये है कि आप अपनी भिंडी को एक दिन पहले काट के और उसे सुखाने रख दें धूप में, और उसके नेक्स्ट डे आप उसको बनाएं तो वो बहुत अच्छी और काफ़ी क्रिस्पी कुरकुरी सी बनती है। जी फ्रेंड्स, तो आँच हमने कर दी है कम क्योंकि ऑयल हो गया है हमारा गरम। अब हम इसको भिंडी इसमें डालेंगे और भिंडी को इसमें फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 23 आँच पे आप इसे फ्राई कर लें 5 से 10 मिनट, और फिर हम इसे निकाल लेंगे एक खुश बर्तन में। टिप नंबर 3 ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहुत अच्छी कुरकुरी सी भिंडी बने और आपस में चिपके नहीं, तो आप बड़े बर्तन में से बनाएं, क्योंकि अगर आप छोटा बर्तन लेते हैं तो ये आपस में टूट जाती है और खिली खिली नहीं बनती। तो अगर आप इसे थोड़े बड़े पैन में, बड़े बर्तन में बनाएंगे तो ये काफ़ी अच्छी खिली खिली सी बनती है, खुश रंग सी। तो ये हमारी भिंडी हो रही है फ्राई। सब्जियों में नॉर्मली भिंडी बहुत शौक से लोग खाते हैं, और इसकी काफ़ी सारी डिशेस हैं जो मशहूर हैं, जैसे कि फ्राई भिंडी, भिंडी गोश्त कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो ये हम कर रहे हैं डीप फ्राई, और जब ये हल्की सी क्रिस्पी होने लगेगी तो हम इसे निकाल लेंगे एक तरफ। जी व्यूअर्स, तो ये तकरीबन हो गई है फ्राई, और तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसे, और ये भिंडी हमने ली थी तकरीबन 1 kg, जो कि बनने के बाद रह जाती है तकरीबन 1/2 kg। अब हम आँच को स्लो कर लेंगे और अपनी इस भिंडी को आहिस्ता से सारी भिंडी को इसको निकाल के ऐसे फैला देंगे ताकि इसका एक्सेस जो ऑयल है वो ख़त्म हो जाए। तो जनाब, भिंडी को सारी हमने निकाल ली है यहाँ पे, और इसका ऑयल एब्जॉर्ब होने के लिए रख दिया है।
और यहाँ हमने अपना ऑयल कम करके तकरीबन हाफ कर दिया है, क्योंकि अगर आप उसी ऑयल में बनाएंगे तो ऑयल बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाएगा और आपकी भिंडी में बहुत ज़्यादा तर तर सा नज़र आएगा बिल्कुल। तो ऑयल हमने कम कर लिया है, अब हम इसके अंदर डालेंगे बघार की चीज़ें, लाल मिर्च 4 से 5 जो हमने ली थी, और 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर जो हमने लिया था हमने इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसके अंदर अपनी भिंडी डालेंगे। भिंडी को तकरीबन हमने निकाल के 5 से 8 मिनट यहाँ रख दिया था, तो ये ऑयल सारा इसके अंदर अब्जॉर्ब हो गया है। आँच हमने कर ली है स्लो, क्योंकि हमारा बघार हो गया है तैयार। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपनी भिंडी, इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही व्यूअर्स, जो हमने यहाँ पे हल्दी नमक और मिर्च ली थी वो इसमें ऐड कर देंगे। मिर्च डालने से काफ़ी अच्छा सा इसमें सालों में कलर आने लगा है। और अब हम इसमें डालने जा रहे हैं टोमेटो, जो बारीक बारीक कटा हुआ होगा जी। तो अब इसमें हम डाल देते हैं टमाटर। मेरा टमाटर थोड़ा बड़ा था तो मैंने उसे थोड़ा सा हाफ कर लिया है। अगर आपका मीडियम साइज़ का टमाटर है तो आप उसे पूरा भी डाल सकते हैं। भिंडी काटते हुए फ्रेंड्स एक चीज़ का ख्याल रखिए कि भिंडी में अक्सर जो है वो कीड़े होते हैं, तो आप जब भी काटें कोशिश करें कि ज़रा लाइट के अंदर उसे देख के और तवज्जो से काटें, कि सम टाइम कुछ ऐसे भी वाकया सुनने में आते हैं कि सब्ज़ी के साथ कीड़ा खा गए और रिएक्शन हो गया या फूड पॉइजनिंग हो गई। तो जब भी आप काटें काफ़ी ध्यान से काटें। ये हमने मिक्स कर दिया इसके अंदर टोमेटो, और अब हम इसको तकरीबन हल्की आंच कर देंगे और इसे हल्की आंच पे तकरीबन 5 मिनट पका लेंगे, ताकि हमारा टोमेटो जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए जी। फ्रेंड्स, तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें चेक करेंगे कि हमारे टोमेटो इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं या नहीं। जी, तो देखिए टोमेटो हमारे हो गए हैं इसमें अच्छे से मिक्स जी। तो अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसे भूनना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसने ऑयल अपना अच्छे से छोड़ दिया है। तकरीबन 1 से 2 मिनट बस आप इसे अच्छे से फ्राई कर लें और फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। इतना अच्छा सा खुश रंग सा इसका जो है कलर निकला है, और ये काफ़ी अच्छी और क्रिस्पी सी बनती हैं अगर आप इसे घर में ट्राई करें। व्यूवर्स, तो हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिए, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। हम इसे डिश आउट कर लेते हैं, इसे अब हम डिश आउट कर लेते हैं और आपको फिर दिखाते हैं इसका बनके कैसा लुक आया है। ये हमारी कुरकुरी भिंडी का तैयार है। जी व्यूअर्स, तो ये हमारी कुरकुरी भिंडी हो गई है तैयार। और आप अगर इस मज़ेदार सी रेसिपी को अपने घर में बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए।
और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। एंड ऑफ द डे एक प्यारा सा मैसेज जो कि हमने आपने आपको बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि हर अपनी वीडियो में एंड ऑफ द डे आपको कोई अच्छा सा मैसेज दें, वो ये है कि अक्सर औकात हम दुनिया में अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अक्सर हम उन्हें ही इग्नोर कर देते हैं जो हम लोगों से मोहब्बत करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप लोगों से ज़िंदगी में, आपके जानने वालों में, पेरेंट्स में, आपसे जो मोहब्बत करता है उसकी कदर कीजिए और उसकी अपनी ज़िंदगी में ही उसकी उस मोहब्बत का मोहब्बत से ज़रूर जवाब दीजिए। इस अच्छी और प्यारी सी बात के साथ हम चाहते हैं अब आपसे इजाज़त। एंड में अगर आप चाहें तो इसमें लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने इसमें अभी लेमन नहीं डाला है क्योंकि खाते वक्त ही जो है सर्व करते वक्त अक्सर लोग लेमन लेते हैं और अक्सर ज़्यादा खट्टा होने की वजह से नहीं लेते हैं, तो आप इसमें एंड में लेमन डाल सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं एक नई एक्साइटेड एपिसोड के साथ। जब तक हमें दें इजाज़त और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।